शिव गोस्वामी भतीजे थे श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के, और पुत्र थे किसके? अनुपम अथवा श्री वल्लभ। सुशीलहा पंडिता श्रीमान जीव श्री वल्लभात्मजहा, सारे गुणों से भरा हुआ उनका विग्रह था। सुशीलहा, सुशील हर तरह से चरित्र उनका अनुसरण करने योग्य अथवा अनुकरणीय था। और पंडिता, लगभग जन्म से ही पंडित बुद्धि के थे। पंडित समझते हैं ना, कुछ लोगों का पंडित का मतलब होता है कि जो आकर के घर में शादी कराएं वो पंडित, हाँ, या हवन करें वो पंडित। हवन भले ही उसको कराना आता हो या ना आता हो, कुछ कुछ बोले स्वाहा तो पंडित। मैं छोटा था तो मुझे बड़ी तीव्र इच्छा होती थी कि मैं संस्कृत बोलूं, ये श्लोक बोलूं। छोटा थोड़ा मैं, तो मैं क्या करता था, तो संस्कृत तो कभी ना देखी ना पढ़ी ना कुछ, पर अच्छा लगता था कि हम भी बोलेंगे संस्कृत। तो मैं अपने स्कूल में बैठ जाता था छोटे से, टीचर बड़ी प्रसन्न होती थी, हम खड़े ऐसे बैठ जाता था, ओम दम 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 दम। वो टीचर इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई, उसने मेरे को पंडित जी का रोल दे दिया ड्रामा में। ये पंडित, जिसकी बात समझ में नहीं आए वो पंडित। परंतु वास्तव में पंडित का मतलब है विद्वान, जैसे हमारे जीता मित्र प्रभु जी हैं विद्वान। शास्त्र युक्ति में निपुण। अगर कोई शास्त्र को घुमा फिरा करके बोल रहा है तो उसको युक्तिपूर्ण ढंग से उसको सही कर देना, इनको कहते हैं पंडित। ये तो है एक पंडित। और फिर उसके बाद पंडित क्या होता है, फिर कुछ स्पेसिफिक होता है कि भैया पूरा पंडित नहीं है, ये सिर्फ संगीत में पंडित है। पंडित का मतलब बहुत ज्यादा ज्ञान हो जिसके पास, और ज्ञान कैसा हो, इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के वे में ना हो, उसको वो समझ सकता हो और समझा सकता हो, समझ भी रहा है और समझाने की भी क्षमता रखता है पंडित। तो जीव गोस्वामी कुछ ऐसे ही थे। बाल्यकाल में उनकी माता, जब शिला रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भी ग्रह त्याग करके चले गए, और उनके पिता जीव गोस्वामी के पिता, क्या नाम था, श्री वल्लभ, उन्होंने देह त्याग कर दिया। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता कि उनको गंगा प्राप्ति हो गई। ये बोलने का तरीका है। तो अभी माता क्या कहती थी, ये नहीं कि पूरा दिन उसके सामने बैठ के रोती रहे जीव गोस्वामी के सामने, हाय देख तेरे चाचा भी चले गए, तेरे पापा भी चले गए, मुझे अकेली छोड़ गए, तू मेरे बुढ़ापे की लाठी। ना जी ना, वो बैठ करके भगवान श्री रामचंद्र का चरित्र सुनाती थी उनको, भगवान श्रीमद् भागवतम की कथाएं सुनाया करती थी, पुराणों से अलग अलग कथाएं सुनाया करती थी। और तो जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं वृंदावन में, तो उनके वैराग्य की कथाएं सुनाया करती थी जीव गोस्वामी को प्रतिदिन। और माता सिद्धांत भी समझाती थी, खाली लीला नहीं, सिद्धांत भी समझाती थी। अब सिद्धांत समझते समझते इनकी बुद्धि कैसी हो गई, कुशाग्र हो गई। वास्तव में तो भगवान के धाम से आए थे, तो लीला हो रही है यहां पर। और माता जब कथा सुनाती थी तो बीच में काउंटर क्वेश्चन पूछते थे। तो जब माता ने बताया भगवान श्री कृष्णचंद्र का जन्म, कि इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ, बोले माता द्वापर युग में कैसे हुआ जन्म? तो बोले कि बेटा देखो ये लिखा हुआ है यहां पे द्वापर युग में जन्म हुआ। बोले पर नहीं नहीं माता, मेरे हिसाब से तो ये सत्ययुग होना चाहिए। माता बोली कैसे सत्ययुग हो सकता है, ये तो द्वापर युग में हुआ, कैसे आप प्रमाणित कर सकते हो सत्ययुग में हुआ?
ऐसी तो माता थी जो उनसे पूछ रही है, प्रमाणित कर सकते हो क्या? जैसे सची माता जाकर के श्री गौर चंद्र को क्या बता रही है, बेटा ये जो मिट्टी है जब मटका बन जाती है तो इसके अंदर पानी कंटेन हो जाता है, और जब ये मटका नहीं बनती तो कीचड़ हो जाता है, जब इसमें से फल फूल उग करके आते हैं तो वो तुम्हारे शरीर को पुष्ट करते हैं, और वैसे ही मिट्टी खाने में तुम्हारा शरीर में विकार आएंगे। किस तरीके से मायावाद का खंडन किया। यहाँ इनकी माता भी जीव गोस्वामी की उनसे पूछ रही है, बेटा प्रमाणित कर सकते हो सत्य कैसे है? बोले हाँ, यहीं पर तो वर्णन आया जो अभी आपने कथा सुनाई कि भगवान के जन्म के समय पे जितने भी उस समय ऋषि मुनि अपने अपने स्थानों पे बैठे थे, वह अपने मनों में उनका ध्यान लगा रहे थे। हाँ, ध्यान तो लगा रहे थे, और गोपियां भी जब श्री कृष्ण बाहर जाते थे तो मन में बैठ करके उनका स्मरण किया करती थी, ध्यान लगाती थी। बोले हाँ, ध्यान तो लगाते थे। और माता, ध्यान कौन से युग की विधि है? माता कहती सत्ययुग की तो कौन सा युग हुआ? माता कहती बेटा तो ठीक कह रहा है, सत्ययुग हुआ ये। तो फिर माता ने बोला ठीक है बेटा सत्ययुग। थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे, आगे कथा सुनते रहे। बोला माँ सत्ययुग नहीं हो सकता। बोले क्यों? अभी तुमने तो खुद ही प्रमाणित किया। बोले नहीं, ये माता ना त्रेता युग होगा। बोले त्रेता युग कैसे हो सकता है? प्रमाणित कर सकते हो? बोले हाँ, आपने तो बताया कि नंद महाराज ने यज्ञ अनुष्ठान की व्यवस्था करी थी, जब गोवर्धन पूजा से पहले भी यज्ञ अनुष्ठान हुआ, तब भी यज्ञ अनुष्ठान हुआ, जब इनका जन्म हुआ हर जगह यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं तरह तरह के। बोले हाँ, हो तो रहे थे। तो माता, ये तो यज्ञ अनुष्ठान की विधि कब की है? बोले त्रेता युग की। तो ये माता त्रेता युग हुआ ना? माता कहती हाँ बेटा त्रेता युग हुआ, सही बोला तुमने। थोड़ी देर में कहते हैं माँ द्वापर युग ही ठीक था। बोले क्यों? बोले द्वापर युग की तो विधि है ना कि श्री विग्रह को महंगी महंगी आइटम्स ऑफर की जाती हैं, तरह तरह के द्रव्यों को अर्पण किया जाता है भगवान की सेवा में। बोली हाँ माता। तो वो जब जन्म हुआ तो सारे ब्रजवासी आके तरह तरह के द्रव्य अर्पण कर रहे थे, यहाँ तक कि देवी देवता भी तरह तरह के द्रव्य अर्पण कर रहे थे। बेटा पहले ही मैं कह रही थी द्वापर युग है। कहते नहीं माँ कलयुग होगा। बोले कलयुग कहाँ से हो सकता है बेटा, कलयुग तो अभी चल रहा है। नहीं माँ बस। बोले कैसे? बोले माता अभी तो आपने बताया कि जब उनके यहाँ पे जन्म हुआ तो सब लोग वहाँ पे गा रहे थे यशोदा मैया की जय, यशोदा के यशोदा नंदन की जय, नंद नंदन की जय, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाँ बेटा कीर्तन तो हो रहा था वहाँ पे, हो रहा था ना, फिर तो कलयुग होना चाहिए क्योंकि कलयुग का युग धर्म है संकीर्तन। माता कहती सही बोला तूने, कलयुग ही होगा। अब बेचारी माता वो पढ़ सकती है, सुना सकती है लीला कथा, वो कहाँ ऐसी फिलॉसफी में इतना ज़्यादा घुसेंगी। कहती हाँ ठीक कह रहा है। पर माता फिर वो ध्यान क्यों लगा रहे थे कलयुग था? तो माता कहती बेटा एक बात बोलूँ, तू ही बता दे कौन से युग थे, जो उनसे तू बता देगा ना अभी फाइनल में मान लूंगी। तो जीव गोस्वामी कहते हैं, फिर जीव गोस्वामी ने ये बात अपने संदर्भों में वर्णन भी करी कि जहां पे साक्षात परम भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है, चारों युगों के धर्म एक साथ वहां पर इकट्ठे प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसी कुशाग्र बुद्धि के भगवान के भक्त श्री जीव गोस्वामी प्रभु। और माता से इस प्रकार से प्रतिदिन कथा, वैराग्य की कथा, भक्ति की कथा, भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र सुनकर के उनका हृदय जो है दिन प्रतिदिन श्री कृष्ण चरणों में अनुरागी होता चला जा रहा था। और जैसा कि बताया गया शास्त्र में, सुशीला पंडिता, सुशील सुचरित्रवान। आजकल लोग प्रश्न पूछते हैं, हमने देखा कुछ दिन पहले हम जा रहे थे मेट्रो में, तो अचानक एक माताजी मतलब यंग सी माताजी थी, वो डोर खुला जैसे ही बला 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 करते करते दो तीन लोग थे बेचारे बड़े बुजुर्ग भी, तो उनको धक्का धुक्का दिया, अंदर गई। और ना एक्चुअली उनके अंदर कुछ फ्रेंड सर्कल आगे खड़ा हुआ था, तो पहले से बात हो गई होगी हम उस तरफ खड़े हैं, बला 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 करके ऐसे हो रहा था, देख के सब डर गए, रास्ता दे दिया, अंदर जाके आराम से खड़ी होगी, हाउ आर यू फाइन। तो ये जो बूढ़े बूढ़े लोग थे ये बोले आज कले के बच्चे क्या कहें। अब उसके बाद मैं सोचा था ये बूढ़े लोग कब बात करना बंद करेंगे, ये कब भगवान का नाम लेंगे, क्योंकि उनकी चर्चा यही चलती रही। कम से कम 25 मिनट तक मैंने उनकी चर्चा सुनी। आजकल के तो हमारे ज़माने में देखो लोगों में कितने संस्कार हुआ करते थे, हमारे ज़माने में देखो क्या होता था, आजकल बच्चों के अंदर सभ्यता ही नहीं रह गई। अरे हमारा अपमान कर दिया, चलो कोई बात नहीं, लोग तो अपने माँ बाप की नहीं सुनते, माँ बाप के लिए भी बोलते हैं कि पापा।
देखो मेरे को अमेरिका जाना पड़ता है बार बार, घर पे आपका कौन ध्यान रखेगा, माता ध्यान रख नहीं पाती बेचारी, वो भी बूढ़ी हो गई है। यहाँ पे हल्द्वानी में बड़ी अच्छी जगह खुली है, उसका नाम है वृद्धाश्रम, वृद्ध लोग बड़े खुश रहते हैं वहाँ पे। हम आपको छोड़ें, कोई सेवा नहीं करना चाहता माँ बाप की, बल्कि माँ बाप की इज्जत भी नहीं करते, उनका उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, अपमान भी कर देते हैं। बोले आजकल के बच्चे अब सारा टाइम यही रोते हुए मिलेंगे, जितने माँ बाप मिलेंगे ना यही रोते हुए मिलेंगे, हमारे बच्चे तो बड़े जिद्दी हैं, हमारे बच्चे तो सुनते नहीं जी, क्या करें। तो भैया क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं है संस्कारी? भाई पहले जमाने में लोग संस्कारी इसलिए होते थे कि सोने से पहले उनके माता पिता उनको भगवान श्री राम का चरित्र सुनाते थे। जब भगवान राम का चरित्र सुनेंगे तो कैसे बनेंगे, राम जैसे गुणशील बनेंगे? वो भी चरित्रवान होते थे। भगवान राम अपने पिता के अंदर दोष नहीं देखे, यहां तक कि माता कैकेयी जिसने निकाल दिया था, जिनकी वजह से निकाला गया, उनमें भी दोष नहीं देखे। तो बच्चे भी वैसे होते थे, अपने माता पिता में दोष तो देखना दूर की बात, भगवान के साथ उनका चित्र रख के पूजा करते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो शिक्षा दी जिससे उनको भगवान मिले। आजकल क्या देते हो आप, कौन से संस्कार, कौन से राम जी का चरित्र सुनाते हो, कौन सा कृष्ण लीला सुनाते हो? सोचते हो कि हमारा सर ना खाए, उसके हाथ में एक मिनिस्टर पकड़ा देते हो, उसका नाम है मोबाइल फोन, क्या जिंदगी रहेगी बेचारे की? लगा वो उसमें सारे कुकर्म कर रहा उसमें, या बिठा देते हो टीवी के सामने, वो सोता कैसे है, टीवी देखते देखते सोता है, और टीवी देखते देखते क्या बसेगा उसके मन में, कलेश, गोलियां चल रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, यही सब दिखता है टीवी में, बस यही देख देख के वो सो जाता है। अगले दिन से वो सोता, मुझे भी कुछ ऐसा ही करके दिखाना चाहिए, तभी मैं भी टीवी में आऊंगा, क्या बचेगा बेचारे की जिंदगी में। तो जीव गोस्वामी के देखें हम माता, जबकि वैसे तो वो पहले से ही भक्त हैं, परंतु देखा जाए क्या किया उन्होंने, उनकी माता ने उनको बाल्यकाल से श्री कृष्ण की कथाएं, भगवान रामचंद्र की कथाएं, भगवान के भक्तों की लीलाएं सुनाएं, जिससे सुचरित्रवान बने, दिव्य चरित्र उनका। और समय आने पर लगभग 16-17 साल की आयु में ही निकल करके वो नवद्वीप गए। हमने कई बार सुना होगा, आज नवद्वीप में जाकर के श्रीमद् नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय लिया, नित्यानंद प्रभु की कृपा से उन्होंने नवद्वीप धाम परिक्रमा इत्यादि करी, और फिर नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दी कि तुम्हारे तुम्हारे खानदान के लिए भगवान ने वृंदावन धाम लिखा है। वो बोले कि प्रभु नहीं, मैं तो सोच रहा था आप वृंदावन नवद्वीप परिक्रमा के बाद मुझे जगन्नाथपुरी लेके जाएंगे, महाप्रभु की अंत्य लीलाएं दिखाएंगे। बोले ना, तुरंत जाओ, रूप सनातन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो जाने लगे तो बोले एक काम करो, भक्तों को भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है सेवा के लिए, तो रास्ते में क्या बोला कि पहले तुम वाराणसी चले जाना, वाराणसी में व्याकरण इत्यादि का अध्ययन करना मधुसूदन वाचस्पति के पास जाकर के। क्यों? मधुसूदन वाचस्पति श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी के शिष्य थे, और सार्वभौम भट्टाचार्य पहले तो मायावाद दर्शन पढ़ाते थे, पर जब से महाप्रभु ने उनको कन्वर्ट किया, वैष्णव बनाया, उसके बाद उन्होंने मधुसूदन वाचस्पति जी को शिक्षा दी, और वो वैष्णव सिद्धांत में वेदांत इत्यादि का अध्ययन कराते थे। तो शिला जीव गोस्वामी को बोला वहां जाने के लिए, मतलब भगवान भी जानते हैं कि ये सर्वसमर्थ भक्त है। कैसा है भक्त? सर्वसमर्थ है, कुछ भी करने में समर्थ है, ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जन जन, पर भगवान हमारे लिए स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि अगर भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए निकलना है तो ये ना सोचे अब तो हमारे को सब पता है, आंखें खुली चलो जी आज हम प्रवचन देंगे, आज हम सेमिनार देंगे। अगर पता भी है तो भी हमारे को प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से करनी चाहिए, है ना? अगर प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे, भले ही हमारे को कुछ पॉइंट मिला नहीं मिला, पर भगवान देखेंगे हमारे एफर्ट हैं, उसका हमारे को फल प्रदान करेंगे सेवा में। जैसे एक बार मोहन रूपा प्रभु जी बता रहे थे कि आज मायावाद है ना, मिथ्या कुमारी, कौन से भुमारी, सारे तरह तरह के लोग फैलते जा रहे हैं, कितने सारे लोग बढ़ गए हैं, उनका प्रचार बढ़ रहा है, उनके लोग बढ़ रहे हैं, भले ही उनके पास ना कोई फिलॉसफी है ना कोई, मतलब उनको कंक्लूजन क्या है ये भी नहीं पता, बेचारे चिट्ठियों पे ही काम चला रहे हैं, परंतु फिर भी उनको सफलताएं मिल रही हैं ऐसे लोगों को
जो कि जिनके पास कोई सिद्धांत नहीं है, जिनके जीवन का कोई लक्ष्य क्लियर नहीं है, फिर भी इन लोगों को प्रचार कार्य में सफलता मिल रही है और भक्तों को नहीं मिली। तो प्रभु जी ने बताया कि भगवान का बनाया हुआ नियम हमेशा रहेगा, जो मेहनत करेगा उसको सफलता मिलेगी। तो भक्तों को हमेशा तैयारी करनी चाहिए, प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स द पुअर परफॉर्मेंस, 5P। तो अगर हम प्रॉपर प्रिपरेशन करेंगे तो हम महाप्रभु की महिमा का अच्छे से प्रचार कर पाएंगे, लोगों के चित्त को प्रभावित कर पाएंगे। तो इसीलिए मधुसूदन वाचस्पति जी के पास भेजा। हम एक बार देखे थे कि शिला राधा गोविंद महाराज एक ही सब्जेक्ट के ऊपर कई बार कथा कर चुके हैं, फिर भी जब दोबारा उस पर कथा करने जाते हैं तो महाराज बैठ करके 10-10 घंटा, जब 7 दिन कथा कर रहे हैं तो 10-10 दिन 10-10 घंटे बैठ के श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं सब कुछ। जबकि हमें एक दिन याद है कि जब महाराज को स्टॉक आया था, महाराज यहाँ आए थे और यहाँ से फिर महाराज जब वृंदावन वापस गए तो गोवर्धन पूजा वाले दिन बरसाना में बहुत बड़ा फेस्टिवल किया था, क्योंकि उस समय हमारे ब्रजमंडल परिक्रमा का 25वीं वर्षगांठ पूरी हुई थी। तो महाराज ऊपर बैठ करके कथा कर रहे थे, हम नीचे बैठे हुए थे कथा सुन रहे थे। पर उस समय तो महाराज को स्ट्रोक आया था, इसलिए भागवतम में देख करके तो पढ़ नहीं सकते थे, ऐसे बैठे थे महाराज, सिर ऊपर था, मूवमेंट नहीं थी उस समय, अब तो फिर भी मूवमेंट दिखती है थोड़ी बहुत, ऐसा बैठे थे। और महाराज श्लोक बोलते थे, फिर उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग बोलते थे, फिर ट्रांसलेशन बोलते थे, फिर उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देते थे। और हमारे को आश्चर्य तो तब हुआ कि किताब में जैसा लिखा था वैसा ही बोल रहे थे, मुंह पर था उनका। तो कितना उनके अंदर घुस सका है भागवतम, पर उसके बावजूद भी जब भी बोलने जाते थे तो घंटों घंटों बैठ करके पढ़ते थे सम्मान करने के लिए भागवतम का। तो वैसे ही जबकि जीव गोस्वामी के हृदय में नित्यानंद प्रभु के चरण पढ़ते ही सारा ज्ञान उसी समय प्रविष्ट हो गया, परंतु फिर भी गए मधुसूदन वाचस्पति जी के पास। जब गए, अब यहां पर देखिए इनके साथ क्या हो रहा है कि कुछ ही समय में, 1 साल पूरा होते होते पूरे काशी में, काशी वो स्थान है जहां पे विद्वानों की नगरी, आज भी जो बड़ी बड़ी उपाधियां हैं वो काशी से ही निकाली जाती हैं विद्वानों के लिए, काशी विश्वविद्यालय से और उसी क्षेत्र से निकाली जाती हैं। तो शिला जीव गोस्वामी काशी में पूरे में विख्यात हो गए 1 साल खत्म होते होते, बल्कि दूसरे साल जब शुरू हुआ तो ये स्थिति आ चुकी थी कि जो लोग भी कुछ कुछ लिखते थे, कोई आर्टिकल्स लिखे या कोई पुस्तक लिखी या कुछ कविताएं लिखी, तो जीव गोस्वामी के पास आते थे। भाषा, व्याकरण, सिद्धांत और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो सब चेक करवाने के लिए कि हमारा जो लेख है वो हर प्रकार से शुद्ध है कि नहीं। और जीव गोस्वामी जब अप्रूव करते थे तो सब लोग कहते थे जीव गोस्वामी ने अप्रूव कर दिया तो फिर तो परफेक्ट है। बड़े बड़े विद्वान, मधुसूदन वाचस्पति जी वहीं पर हैं, उनके गुरु वहीं पर थे, पर लोग अप्रूवल के लिए जाते थे श्री जीव गोस्वामी के पास। और अगर कोई मधुसूदन वाचस्पति जी के पास चले भी गए तो कहते थे कि वो बैठा उससे चेक करा लो, महाविद्वान महापंडित। आज तक भी जीव गोस्वामी के लिटरेचर का कोई तोड़ नहीं है संसार में, महापंडित। जीव गोस्वामी ने जो षड संदर्भ लिखा है, सारा वैष्णव समाज, गौड़ीय वैष्णव नहीं, सारा वैष्णव समाज उसका से लाभान्वित हुआ है। तो शिला जीव गोस्वामी, अब समय होने के बाद, एक मिनट सुनो, समय होने के बाद जब मधुसूदन वाचस्पति जी के पास से निकले और कहां गए, श्री वृंदावन धाम में, वृंदावन धाम में जा रहे हैं वो महापंडित जिनके पास सब लोग आ रहे हैं, अप्रूवल ले रहे हैं, जिनके द्वारा जब तक अप्रूवल ना हो तो लोग सोचते थे कि शायद इसकी त्रुटि होगी, तभी जीव गोस्वामी के पास गया नहीं। इतने विद्वान, हर जगह उनकी विद्वत्ता का डंका बज रहा था, और कहीं ऐसा नहीं कि काशी में बज रहा था, वृंदावन तक भी न्यूज पहुंच गई थी कि भैया वो जो तुम्हारा भतीजा है ना, हाँ हाँ बड़ी महापंडित है जी, महापंडित, सब जगह बातें फैल रही हैं। तो जब जीव गोस्वामी प्रवेश कर रहे हैं वृंदावन में तो उनका बढ़िया भव्य स्वागत किया गया कि भैया जीव गोस्वामी आ गए हैं। और क्योंकि सबको याद था, मतलब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ऐसे तो थे नहीं कि भगवान के मुख से निकले हुए एक शब्द को भी स्किप कर देंगे। तो भगवान के मुख से क्या निकला था, जब भगवान रामकेली में गए थे, कौन, श्री गौर सुंदर, जब रामकेली में गए
तो ये दोनों मिलने के लिए गए, और मात जिस समय भगवान नर्तन कर रहे थे, नहीं जब रात के समय जब मिलने के लिए गए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और वल्लभ, तो गोद में उठाया था किसको? श्रील जीव गोस्वामी को। तो भगवान ने देखा ये जीव बाद में वैष्णव संप्रदाय का भार संभालेगा, ये जीव, भगवान ने जीव गोस्वामी वो समय नाम जीव नहीं था। तो मेरे को कई बार लगता है कि क्योंकि नामकरण संस्कार तो कहीं दिखता नहीं, क्योंकि जब भगवान ने बोला होगा यही जीव सब करेगा, तब से उनको सब लोग जीव जीव पुकारना शुरू कर दिए होंगे। तो भगवान ने बोला था ये जीव, जैसे श्रील प्रभुपाद जी के लिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले थे, उसको किसी मठ का प्रेसिडेंट बनाने की जरूरत नहीं है, समय आने पर वो अपने आप सारा कार्यभार संभालेगा। तो वैसे ही महाप्रभु ने जीव गोस्वामी के लिए एक लाइन में प्रेडिक्शन दे दी थी। जीव गोस्वामी आए हैं, सबको रूप गोस्वामी को पता है कि आने वाले समय में उत्कल गौड़ और मथुरा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी वैष्णव हैं सबका ये अकेले प्रतिनिधित्व करेंगे, मतलब गौड़िया कुल चूड़ामणि बनकर के यही एक गौड़िया आचार्य के लिए मुख्य गौड़िया आचार्य के रूप में विराजमान होंगे। सबको पता है ये विद्वान पंडित हैं, ये क्या क्या कर सकते हैं, उनकी क्षमताओं को भी ज्ञात है, परंतु उनको सेवा पता क्या मिल रही है? उनको सेवा मिली बर्तन धोने की, पानी लाने की, और जो रूप गोस्वामी लिख रहे हैं उसके लिए पत्ते लेकर के आना, साफ करना, सुखाना, फिर देना, बिल्कुल हम्बल सर्विसेज, बर्तन धो, पानी लाओ, पत्ते सुखाओ, पत्थर लाओ जिसमें से रंग निकलेगा उससे घिस घिस के रंग बनाओ जिससे लिखा जा सके, कलम बनाओ। वो महापंडित जिसके पास 10-12 आदमी बैठे होने चाहिए सारे काम करने के लिए, और वो बस लिखते रहे, पर वो क्या कर रहे हैं, वो सारी हम्बल सर्विसेज कर रहे हैं, रूप गोस्वामी के चरण पखार रहे हैं, सनातन गोस्वामी के चरण पखार रहे हैं, और मन में एक बार भी नहीं सोच रहे कि ये इनको समझ में नहीं आ रही कितना अंडर यूटिलाइज रखा इन्होंने मुझे। कई बार भक्तों के मुख से सुनने को मिलता है, प्रभु जी आई एम अंडर यूटिलाइज्ड, पता नहीं क्या क्या कर सकता था मैं, पर ये हमारी अथॉरिटीज को समझ ही नहीं आ रहा। भगवान ने ऊपर मूर्खों को बिठा रखा है, बुद्धिमान नीचे आ गए। वास्तव में भगवान जानते हैं और वो सीनियर वैष्णव भी जानते हैं कि किस प्रकार से हमारा शुद्धिकरण होगा, और स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश कर रहे हैं, अरे हम हमारी तो क्या योग्यता होगी जीव गोस्वामी के सामने। जीव गोस्वामी पांडित्य उनका केवल शास्त्र लिखने में और संस्कृत इत्यादि में नहीं था, उनका पांडित्य हर क्षेत्र में था, संगीत में विशारद, हर प्रकार के जो ड्रामा परफॉर्मेंस की ट्रेनिंग दी उन्होंने, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित को सिखाया ड्रामास कैसे किए जाते हैं, नाट्य शास्त्र, गाना, नाटक परफॉर्मेंस करना, और वादन, मृदंग बजाना आता था बहुत सुंदर उनको। और एक लेटर में चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास और कोई मृदंग बजाने वाला नहीं है, हमने एक लेटर पढ़ा था जीव गोस्वामी का कहीं पब्लिश हुआ था, तो उसमें बोल रहे हैं कि एक भक्त चाहिए जो मृदंग बजाने वाला, तो श्रीनिवास आचार्य पर वहां से एक मृदंग बजाने वाला भक्त भेज रहे हैं। उस समय भी मृदंग बजाने वाले भक्तों की थोड़ी कमी रहती थी। तो वादन, गायन, नृत्य नाटक का परफॉर्मेंस, और खाली नाटक करना नहीं, नाटक की स्क्रिप्ट लिखना, शास्त्रों को पढ़ करके उनके गूढ़ सिद्धांत को प्रॉपर वर्णन करना, बोले और ये सब कुछ होने के बावजूद उनके अंदर और भी बहुत सारे सामर्थ्य थे। तो उनके पास और भी बहुत सारे सामर्थ्य थे कि अभी जैसे कई बार भक्तों को बोला जाता देखने में कि क्या करते रहते हो तुम लोग, शूद्र वाले काम करते हो, ब्राह्मण बनने के लिए आए थे यहां पे हम, है ना। एक बार एक सन्यासी थे और वो हमारे गुरु महाराज के पास, श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास बैठे थे। महाराज ने बोला देखो आपका सन्यास भी हो गया है, आपको कोई मुख्य जिम्मेदारी लेनी चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, कुछ जिम्मेदारी सिर पे लो। तो वो बोले नहीं महाराज मैं कैसे लूँ, हमें तो बहुत ये सब चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती सन्यास में। तो महाराज बोले कम से कम सिग्नेटरी इत्यादि बन जाओ। तो वो सन्यासी बोले महाराज को, महाराज अब देखो अब तो सन्यास हो गया है, सन्यासी का धर्म तो हरि कथा, हरि कीर्तन और इसी की महिमा का प्रचार, अब ये मैनेजमेंट इत्यादि में हमारा मन नहीं लगता। महाराज बोले आपको मेरे सन्यास पे डाउट है क्या? बोले प्रभुपाद जी भी ये सब कर रहे थे।
तो लोगों को फिर भी लगता है कि ये मैनेजमेंट, ये कंस्ट्रक्शन, ये सब ना। जीव गोस्वामी जो राधा कुंड का कंस्ट्रक्शन इत्यादि था सारा जीव गोस्वामी ने किया, और उसके लिए जो मैनेजमेंट इत्यादि करनी थी, वो जगह को खरीदना, वो सारा जीव गोस्वामी ने किया। और जो सेवा कुंज का क्षेत्र है पूरा, जहाँ पे अभी राधा दामोदर मंदिर, बहुत बड़ा क्षेत्र, अभी तो कई लोगों ने उसको भेज भाज दिया, वो पूरा क्षेत्र जीव गोस्वामी ने खरीद लिया था आलिशा चौधरी नामक व्यक्ति से। और इस जीव गोस्वामी ने अपने संकल्प पत्र में सारी चीजें लिखी थी, और उसके सारे पेपर जो खरीददारी के थे वो पहले वृंदावन शोध संस्थान में होते थे, पर अब ना जाने किस भय के कारण वो छुपा दिए गए हैं। तो ये सारा कार्य किया उन्होंने, मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन, कीर्तन, प्रचार, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीजें करी। और ये सब कुछ करने में समर्थ व्यक्ति जो हमारे को शिक्षा दे के गए हैं कि कैसे वैष्णव को होना चाहिए, उनसे क्या कार्य कराया जा रहा है रूप गोस्वामी के द्वारा, वो हम्बल सर्विसेज, बर्तन धुलवाना, पत्ते सुखवाना, झाड़ू लगाना। और एक बार उन्होंने चूनी बोली कि आप ऐसा क्यों करवा रहे हैं, बिल्कुल हम्बली सेवा में लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। तो इस प्रकार से श्रील जीव गोस्वामी के चरित्र से हम अद्भुत, एक एक घटना से हम जीव गोस्वामी के चरित्र की कई सारी शिक्षाएं ले सकते हैं। निश्चित रूप से बोलने वाले बोल भी सकते हैं, सुनने वाले सुन सकते हैं, पर अगर हम प्रयास करेंगे तो धीरे 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 उनके चरित्र का कुछ कुछ अंश हमारे चित्र में भी आएगा, और हम काबिल बन सकेंगे उनकी प्रसन्नता के लिए इस आंदोलन में सेवा करने के लिए। इसलिए आप सबसे आशीर्वाद की याचना करते हैं, सभी भक्तों से कि आशीर्वाद दें, श्रील जीव गोस्वामी का गुणों का बस एक रंच मात्र भी, 1% भी हमारे जीवन में आ जाए तो अपने जीवन को कृतार्थ मानेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रील जीव गोस्वामी पाद की।